थैंक यू सो मच एक्चुअली ये तो मेरी खुश नसीब है कि मैं मैंने पहला गाना इतनी बड़ी मूवी में गाया है और स्पेशली जिनका मैं शुरू से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ सलमान खान का और ये मेरी खुशनसीबी कि सलमान खान की मूवी में मेरा सॉन्ग आया है और वो सॉन्ग इतना पॉपुलर हो रहा है लोग इतना प्यार दे रहे हैं उस गाने को मतलब मुझे तो ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना बड़ा गाना भी गाया है एक्चुअली ये गाना मुझे ऐसे मिला था कि मैं मेरा शूट चल रहा था सुपरस्टार सिंगर का तो मुझे एकदम से फ़ोन आया था उनका साजिद वाजद सर का साजिद सर वाजी सर का कि सलमान बेटा आपको ये गाना गाना है और अब कहाँ हो मैंने बोला सर मैं तो शूट पे हूँ अभी तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो मैंने बोला सर मैं तो शूट पे हूँ अभी कैसे आ सकता हूँ मैं तो और वैसे भी मेरी शाम की मेरी फ्लाइट थी कनाडा जाने की अब वो मुझसे कह रहे थे कि यार शाम को कर लेते हैं मैंने सर शाम को मैं यहाँ पर हूँ नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ उन्होंने बोला कि यार आपको ये गाना गाना है और आप देख लो इतना बड़ा मौका मिल रहा है आपको मैंने बोला हाँ यार ये तो है अब मैं एकदम सुपरस्टार सिंगर में कैप्टन था तो मैं वहाँ पर बैठा था तो मैं टेंशन में हो गया था तो हमारे एक बड़े भाई है मेरे नीरज शर्मा जा जो सुपर स्टार सिंगर के डायरेक्टर है जो इंडियन आइडल के भी जो डायरेक्टर हैं अभी तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे ऐसे ऐसे कॉल आया है और मुझे अभी स्टूडियो जाना है और गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाना है तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सलमान चलते शूट पर मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ और आप तो हमारे मैन कैप्टन है सुपर स्टार सिंगर के मैंने बोला भाई इतना बड़ा मौका मिल रहा है मुझे यार मुझे जाना तो आप उसने नहीं यार नहीं जा सकते तुम बैठ जाओ मैं बैठ गया था जाके तो मुझे दोबारा बुलाया भैया ने नीरज शर्मा ने जिनका मैं तहदी से शुक्रगुजार मानता हूँ अपने लाइफ में और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे लाइफ में तो उन्होंने मुझसे बोला कि सलमान इधर आ, आ तू मैं गया उनके पास में तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा करो मैंने तुम्हारे लिए एक बाइक का इंतजाम किया है और एक हेलमेट का इंतज़ाम किया है तुम ऐसा करो तुम जल्दी से जाओ पर गाना रिकॉर्ड करके आ जाओ तो मैं चलते शूट में मैंने भैया चलते शूट में जाओ हाँ तो जल्दी जाओ जल्दी गाना रिकॉर्ड करके आ मैंने ठीक भैया मैं आपसे प्रॉमस करता हूँ जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मांगा है तो आप यकीन नहीं मानोगे मैं जब गया था गाना रिकॉर्ड करने के लिए मैंने पंद्रह मिनट में गाना रिकॉर्ड कर दिया पंद्रह मिनट में तो जब मैंने गाना गाया तो साजिद सर वादी सर बोल रहे थे यार तू तो, तो वन टैक में गाने वाला आदमी है तूने तो, तो बहुत जल्दी गाना रिकॉर्ड कर दिया बन सर मुझे काम की बहुत तलाश है और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहता उसके बाद मेरी फिर सलमान सर से बात हुई सलमान सर ने एक्चुअली मुझसे इंडियन आइडल में मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें एक मूवी में गवाऊँगा तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और तो मैं ये गाना मैं देता हूँ तो so, मैं अपनी लाइफ में शुक्रगुजार मानता हूँ और थैंक यू दिल से थैंक थे, यू कहना चाह चाहूँगा साजिद सर वाजिद सर का कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और स्पेशली सलमान सर का कि उनको कौन प्यार नहीं करता एक्चुअली सलमान तो हाँ मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे सलमान सर ने मुझसे बोला था कि सलमान सलमान ने पूछा मुझसे कि सलमान कि ये जो गाना है ये सारे गानों में से मेरा फेवरेट सॉन्ग है मुझसे उन्होंने ऐसा बोला तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है बताओ जब सलमान सर का ये इतने ही करीब है दिल के और मुझे पता चला है कि सलमान सर इस गाने को हमेशा सुनते ही रहते थे जब शूट चढ़ा था तब भी सुनते रहते थे जब शूट नहीं चलता तब भी सुनते रहते थे गाना मतलब उनको इतना पसंद आया ये गाना कि मैंने ये बैकग्राउंड में भी ये गाना गा दिया अच्छा, मैं बस अभी मैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि मैं मैं सबका फ़ैन हूँ सब, सब मुझे बहुत पसंद है अब ऐसा तो ही नहीं कि मैं अगर मुझसे कोई और हीरो बोलेगा कि मेरे गाना तो गा। लिए गाना गा दो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं गाऊंगा नहीं मुझे सबके लिए गाना होगा तो मैं जिस भी हीरो के लिए गाऊंगा जिस भी जिनके भी लिए गाऊंगा मैं ये मेरी खुशनसीब होगी कि मैं जिनके साथ भी गाऊंगा मेरा उनके साथ में गाना आएगा किसी के साथ भी आ जाए यार मैं क्या बताऊँ मैं अपने मेरे जितने भी मेरे फैन हैं मैं उनको इतना दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं देखो मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने फ़ैन की वजह से हूँ उनके इनके प्यार की वजह से हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया पर और सारी मतलब पूरी दुनिया में फैला देते हैं लोग तो इतना मैं आज जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ मेरा गाना जो भी हिट हो रहा है इन इन लोगों की वजह से हो रहा है मेरे फैन की वजह से वजह से क्योंकि ये लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं इन एक सालों में मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई कि मैं मैंने मैं ऐसे ऐसे देश घूम चुका हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ऐसी ऐसे ऐसी कंट्री जाऊँगा शो करने के लिए परफॉर्म करने के लिए और जहाँ भी मैं जाता हूँ शो करने के लिए लोग इतना प्यार करते हैं लोग पागल हो जाते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार हमारे फ़ैन बाहर भी हैं इंडिया में नहीं बाहर भी हमारे फ़ैन हैं तो बहुत अच्छा लगता है और लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो चुकी है नहीं मेरे मैं बिल्कुल मेरे लगातार रेगुलर शो चल रहे हैं मैं आज भी इसराइल से आया हूँ रात को आठ बजे ही सुबह दिन में आठ बजे ही आया हूँ इसराइल से शो करके और अभी इंडियन आइडल का शूट चल रहा है उसमें गाऊंगा दो दिन यहाँ पर भेजी उसके बाद फिर मैं बाहर चला जाऊँगा शो करने के लिए सो अभी तो लाइफ ऐसी ही चल रही है गला भी मेरा बैठा हुआ है आप लोग आप लोगों को लग रहा होगा ऊपर से इंडियन आइडल का शूट आ चुका है इसमें भी गाना है Uh, बहुत ही दमदार कंटेस्टेंट के साथ सनी के साथ मैं गा रहा हूँ इस इस इंडियन आइडल में तो बहुत ही ज़्यादा uh, बोझ है सर पे शोज़ का भी और गाने का भी है। क्या, क्या, कहना उनके से से वो बहुत बहुत सुरीला गाना है बहुत सुरीला गाते हैं सनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाते हैं और रूदारी से गाते हैं माशाल्लाह और जिनका मैं बहुत दिल से फ़ैन नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी का वो उनकी उनकी आवाज़ पे थोड़ा बहुत मैच करता है उनका बट नुसरत साहब तो वो तो अलग चीज़ है नुसरत साहब की जगह तो कभी ज़िंदगी में कोई ले नहीं सकता मगर थोड़ी झलक दिखती है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरत तो उनकी आवाज़ है और बहुत ही सुरीला वो गाते हैं और मतलब मुझे बहुत पसंद है वो अभी आ, अभी लोगों ने बुलाया है ये भी सरप्राइज़ है हमारे फ़ैन के लिए सबके लिए अभी कुछ गाए हैं मैंने गाने बट वो क्या है किसके लिए गाए हैं ये अब बाद में बताऊँ आपके लिए ठीक है आवारा दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है आवारा 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 दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है